अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है इमरान हैदर और आप देख रहे हैं टॉप वीडियो चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको तीन वेबसाइटों के बारे में बताऊंगा जिसमें आप वॉइस टाइपिंग कर सकते हैं बहुत ही इजीली। इसमें दो वेबसाइट पे आप किसी भी लैंग्वेज में आप कर सकते हैं, तीसरी जो वेबसाइट है उसमें आप उर्दू में भी टाइप कर सकते हैं। और उर्दू में जो टाइप होता है वो उसको आप किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़ासतौर पे जो यूट्यूब वगैरह उस पर टाइटल्स वगैरह या थंबनेल पे जो उर्दू हेडिंग आती है, मैं उसका एक शॉर्ट तरीका आपको बताऊंगा जो बहुत ही आसानी से आप किसी भी थंबनेल पे या वीडियो के अंदर उर्दू के टाइटल जो होते हैं वो आप ईज़िली उस पर लगा सकते हैं विदाउट टाइपिंग के। उसके लिए आपको किसी इन पेज वगैरह उर्दू की उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली उसे सिर्फ बोल के टाइप जो आपका टाइप होगा उसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इजीली। वो मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा कि आप किस तरह उसको यूज़ कर सकते हैं थंबनेल में या टाइटल में उर्दू के इजीली बगैर किसी टाइपिंग के। चलें स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करिएगा, शुक्रिया। चलें शुरू करते हैं। पहली जो वेबसाइट है वो उसका नाम है स्पीच नोट्स। स्पीच नोट्स का ये फ्रंट पेज है, यहाँ पे आपको माइक का एक आइकन नज़र आ रहा है, हम जस्ट इस पर क्लिक करेंगे। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो ये एक रेड डॉट जो है वो बिलिंग करने लगेगा। मैं अब यहां पे लिखता हूं, हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है इमरान हैदर और आप देख रहे हैं टॉप वीडियो चैनल। फ्रेंड्स, आपने देखा है कितनी फास्ट और कितनी जल्दी ये इजीली लिख सकता है यहाँ पे किसी भी लैंग्वेज में, या सेटिंग में जाके आप यहाँ से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लैंग्वेज बहुत कम है हमारे इस्तेमाल में, तो इंग्लिश ही आएगी, उर्दू इसमें नहीं है, अरबी आ रही है इसमें, तो यहाँ पर आप इस लैंग्वेज में लिख सकते हैं जो हम ईज़िली पढ़ लेते हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरी साइड जो है वो है डिक्टेशन IO। डिक्टेशन IO भी बहुत इजी है, आप इसमें स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, अब मैं यहाँ बोलूँगा अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इमरान हैदर ठीक है फ्रेंड्स, ये थी दूसरी साइड हमारी जिसमें हम मैंने आपको टाइप करके दिखाया है इसका नाम। तीनों वेबसाइटों की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ से आप इजीली ये पेज पे खोल सकते हैं। ये डिक्टेशन IO का भी यही ही है, यहाँ पे आप लैंग्वेज वगैरह चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप किसी भी लैंग्वेज में ले सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे उर्दू में भी टाइप कर सकता हूँ अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको टाइप करके दिखाता हूँ। ये थोड़ा स्लो चलता है मगर टाइपिंग बहुत अच्छी करता है ये भी। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये थोड़ा उर्दू लैंग्वेज में इतना अच्छा नहीं है जो कि आप इस पर उर्दू लैंग्वेज में ना लिखें ज़्यादा अच्छा है, रोमन में चलेगा, ये इंग्लिश में आप इससे इसको इस्तेमाल करें। उर्दू के लिए तीसरी हमारी जो
तीसरे नंबर पे वेबसाइट है, मैं उसका आपको बताऊंगा जो कि काफ़ी लोग जानते होंगे उसके बारे में। फ्रेंड्स, तीसरी वेबसाइट जो है हमारे पास वो है गूगल की। गूगल की अपनी ये साइट है, ये है google.com डॉक्यूमेंट्स। आप इसका फ्रंट पेज ये है, यहाँ पे हमने जस्ट ब्लैंक पे प्रेस का जहाँ निशान आ रहा है इस पर क्लिक करना है। इस पेज पे आने के बाद यहाँ पे ऊपर आपको फॉर्मेट, टूल्स, व्यूज, एडिट, फाइल, यहाँ पे टूल के ऑप्शन में हम जाएंगे और यहाँ लिखा हुआ है वॉइस टैपिंग, हम जस्ट इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हमने जो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है वो कर सकते हैं। अभी मैं उर्दू में आपको टाइप करके दिखाऊंगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे उर्दू पाकिस्तान ये मैंने सेलेक्ट कर ली। अब यहाँ पे जो मैं आपको टाइप करके दिखाऊंगा वो उर्दू में होगा, और फिर मैं आपको इसको बताऊंगा कि आप इसको कैसे किसी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे किसी वीडियो के अंदर या किसी थंबनेल में आप देखते हैं उसके यूट्यूब के टैग्स वगैरह जो उस पर उर्दू में लिखा हुआ होता है तो वो टाइप किए हुए होते हैं। मैं आपको वॉइस स्पीकिंग के अंदर ही कि इसको जो हम लिखेंगे वही मैं आपको उस पर पेस्ट करके दिखाऊंगा। वो जस्ट जितनी जल्दी हो सकता है उसको शॉर्ट करके मैं आपको इजीली वे बताऊंगा, ताकि उर्दू टाइप करने की ज़रूरत ना पड़े, हम जस्ट बोल के भी लिख सकते हैं और उसको इस्तेमाल में ले सकते हैं किसी भी वीडियो के ऊपर टाइटल में लगाने के लिए किसी भी उसमें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ से माइक के निशान पर आप क्लिक करेंगे, जो मैं बोलूँगा वो यहाँ टाइप होगा, मैं उस पर क्लिक करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है इमरान हैदर। जी फ्रेंड्स, ये देखें आप उर्दू में लिखा गया। अब हम मैं आपको इसको एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ आप इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ से हम थोड़ा इसको हाईलाइट कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए कर दें और यहाँ से इसका साइज़ मैं बड़ा कर देता हूँ, ये साइज़ कर दिया, इसको थोड़ा फोल्ड कर देते हैं। फ्रेंड्स देखें मैंने इस सेलेक्ट कर लिया। अब जस्ट आप इसको फाइल में जाएं और यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, आप इसको वर्ड पैड में या डॉक्यूमेंट्स में या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप इसको डाउनलोड कर लें। ये फाइल आपके नीचे डॉक्यूमेंट्स में आ गई। अब हम इसको ये फाइल मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ, ये नोट पैड में या वर्ड पैड में खुल जाएगी। अब मैं इसको फिर कंट्रोल ए करूँगा और कंट्रोल सी करूँगा, ये करने के बाद मैं इसको बंद करूँगा। अब हम खोलेंगे फोटोशॉप। फोटोशॉप में जाने के बाद यहाँ पे मैं करूँगा कंट्रोल एन, ओके। अब मैं करूँगा कंट्रोल वी। जी फ्रेंड्स, ये फाइल आपकी यहाँ पे आ गई। अब प्रॉब्लम ये है कि अब हम इसको किसी चीज़ पे लगाते हैं तो ये पूरा ऐसे ही चला जाएगा, वाइट पीछे बैकग्राउंड के साथ आएगा। तो मैं आपको वही तरीका बताना चाहता हूँ कि हम इसको विदाउट बैकग्राउंड ही लेके जाएंगे और वो बड़ी आसानी से मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये बैकग्राउंड मैं यहाँ से उठा के डिलीट कर देता हूँ, सही है। अब हम इस पर करेंगे आप ये कंट्रोल अपना खाली W भी दबा सकते हैं, ये टूल का नाम है मैजिक टूल है ये। आप इस पर जस्ट क्लिक करें, ये पूरी सिलेक्शन इसने दे दी। अब आप यहाँ से करेंगे कंट्रोल शिफ्ट आई। कंट्रोल शिफ्ट आई करने के बाद आप इसको जस्ट यहाँ से कंट्रोल जे करेंगे। कंट्रोल जे करने के बाद ये यहाँ से फाइल नीचे का बैकग्राउंड जो है आप लेयर जो है इसको उठा के डस्टबिन में डाल दें। देखें फ्रेंड्स, ये बिल्कुल आपका चेंज हो गया। अब हम यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए इसको एक पेज बनाता हूँ। मैं दोबारा करूँगा कंट्रोल एन। कंट्रोल एन करने के बाद मैं करूँगा ओके। ओके करने के बाद ये वाइट बैकग्राउंड को मैं करूँगा
रेड, मैं करूँ कंट्रोल बैक स्पेस, ये रेड हो गया। अब यहाँ से सिलेक्शन टूल लूँगा और इस लेयर को उठा के यहाँ इस पर डालूँगा। दोबारा उठाता हूँ मैं, ये फ्रेंड्स यहाँ पे आ गई। अब आप देख रहे हैं इसमें थोड़े से वाइट स्पॉट के निशान आ रहे हैं। चले मैं आपको ये भी ख़त्म करके दिखाता हूँ, बहुत ईजी है। इसको हम जेड दबाएंगे, जूम करेंगे, जूम करने के बाद हम फिर मैजिक टूल लेंगे, W दबा के आप मैजिक टूल ले सकते हैं। यहाँ शिफ्ट प्रेस किया हुआ मैंने, इसको सेलेक्ट किया, इस पर क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, जहाँ जहाँ मुझे वाइट स्पॉट नज़र आ रहे हैं मैं शिफ्ट दबा के उस पर क्लिक करता रहूँगा। फ्रेंड्स ये अमूमन आता नहीं है, आ भी गया तो कोई मसला नहीं है। इसने सभी सेलेक्ट कर लिया, मैं कंट्रोल डी करके ये सब ख़त्म करता हूँ। यहाँ से मैं दोबारा W दबाता हूँ। फ्रेंड्स ये मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, वैसे हमारा टॉपिक नहीं है ये। मैं जब इसमें हमने पंगा ले लिया है तो इसको मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ। यहाँ मैं डिलीट करवाता हूँ, ये देखें अंदर से उड़ गया। अब सिंगल सिंगल करके उड़ा लेते हैं। यहाँ मैं दोबारा W दबाया, डिलीट, यहाँ पे भी यही करूँगा मैं, इस पर क्लिक करूँगा वाइट सर्कल में, यहाँ पे भी डिलीट कर प्रेस किया मैंने, ये बैकग्राउंड ख़त्म हो गया। फ्रेंड ये अब आप सिंगल हैं, ये रेड बैकग्राउंड मैंने सिर्फ दिखाने के लिए आपको लगाया ताकि हाईलाइट हो जाए। वैसे ये देखें, ये आप कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको इसको सीधा बताता हूँ, या नीचे आएंगे तो आप यहाँ F लिखा हुआ है, आप इस पर जाएंगे, आप हमने इस्तेमाल करेंगे स्टॉक। स्टॉक जब इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ इसका आके मैं कलर चेंज करूँगा, वाइट कर दूँगा। ये फ्रेंड्स देख रहे हैं आपके, आप इसको जितना छोटा बड़ा कर सकते हैं जो आपको पसंद है। यहाँ आप इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी उसके अंदर। मैं आपको ये लेयर जो है वो हिला के दिखा देता हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, आप ये कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लैक बैकग्राउंड जो है, हम इसको कोई और कलर करके दिखा देता हूँ, मैं ब्लू कर देता हूँ। ब्लू करके मैं देखें, ये ब्लू आ गया। तो इसका मतलब है कि ये हमारी लेयर जो है ये बिल्कुल अलग है। जी फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि 3 वॉइस टाइपिंग वेबसाइट्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।